ये हमने जो है अभी आग जलाई, अभी चिकन रोस्ट करना है हमें। जावेद साहब यहाँ पे बैठे हैं और ये देखें आप, ये ऐसा लकड़ी लेके आ रहे हैं। अभी जो है टाइम हुआ है दिन के 12:50 और यहाँ पे है रंजू साहब, सुगिन साहब, और यहाँ से जो है पूरा वारसन दिख रहा है। ये वारसन है, तो गाइस अभी दोपहर के 1:30 और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। रियाज सर ने जो इंतज़ाम किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा दूँ। ये देखें, ये यहाँ पे चिकन रोस्ट हो रहा है। थैंक्स टू मिस्टर रियाज सर। खबर जगह सब उसके मुझे वहाँ थे सुबह से क्या सुबह क्या ठंड अभी हम है याद कैसे बनाया कुछ बार ही कुछ पथरा पथरा इस जगह का नाम है। इस साइड से हमें जाना है, वहाँ वहाँ ऊपर वहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ से आता है बटमर्ग। तो गाइस जो मैं ग्लेशियर देख पा रहा हूँ यहाँ से, आपको दिखा दिखा के मेरा मन नहीं भर रहा है। इतने ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स, आप एक बार फिर देखें इनको, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें आप, सुनो कैपर मोटेनस, ये है हमारा कुफारा। इतनी खूबसूरत जगह, और फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम अभी सुबह हाइक कर रहे थे जहाँ से हम आए थे वहाँ से, पता नहीं आग लगाई थी किसी ने जंगल में कि लग गई थी, तो मेहरबानी करके ये चीज़ अवॉइड करें आप। और अगर आप कहीं ट्रैक पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, हमें वहाँ पे पॉलीथीन साथ नहीं लेना चाहिए। अगर साथ लें भी तो पॉलीथीन को वहाँ आप ना डालें, अपने साथ ले जाएं घर और वहाँ पे प्रॉपरली डिस्पोज आप कीजिए, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं हमें ज़ाया नहीं करने चाहिए, हमें गंदे नहीं करने चाहिए, पोल्यूट नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप आजकल देख रहे हो कितने ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमने सारे रिसोर्स जो हैं गंदे किए हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें करें आप। तो अभी आप लुत्फ लीजिए, हम जहाँ जा रहे हैं बटमर्ग का, बटमर्ग जो है यहाँ से आपको मड़ामा आना पड़ेगा। मड़ामा पड़ता है कादराबाद ब्लॉक में, मतलब से आना पड़ेगा आपको, यहाँ आप आवरा से भी आ सकते हो। अभी हम जा रहे हैं ऊपर बटमर्ग की तरफ, आधे बंदे जो है आगे निकल गए हैं, आधे पीछे हैं मेरे, यहाँ से जाना है हमें, मुझे लगता है यहीं से रास्ता होगा।
वहां से जो है ज़रहमा नजर आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो जो है नीचे वो बस्ती वो ज़रहमा है। तो अभी हम, मुझे ये नहीं पता है कि कितना और है, बट चलो जितना भी होगा बहुत ही मज़ा आ गया आज। बहुत कह रहे ना, सच में एडवेंचर रहा। और जहाँ बाबा साहब ने, वो रिया सर ने जो चिकन मैरिनेट करके लाया था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक गलती हमने की है कि हमने दवाई साथ में नहीं लाई है, कुछ बंदों को सर दर्द हुआ है तो हमें दवाई साथ लानी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप कभी भी ट्रैक कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, दवाई तो लेनी चाहिए अपने साथ। हर कोई दवाई जो एमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 3:50 और हम जा रहे हैं बटमरो की तरफ हाइक कर रहे हैं हम। तो मुझे जो है अभी खबर नहीं है अभी कितना चलना है हमें। जो बाकी स्टूडेंट और कुछ टीचर हजरात हैं वो अभी पीछे हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं मुझसे। तो यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं मैं अभी कहाँ पे हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, इस जगह का नाम बटमर्ग है। तो आप यहाँ आ सकते हो अगर आप हाइक करने के शौकीन हो, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। वहाँ से बहुत बार मैंने आपको वो ग्लेशियर्स दिखाए, मगर उनसे नज़र ही नहीं हटती है, इतने खूबसूरत। शायद कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं मुझे इस टाइम। कितनी ब्यूटीफुल जगह है हमारी ये रियासत, हमारा ये कश्मीर। यूं ही इसको जन्नत नहीं कहा जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है, आप बस सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ का, आपके तावन का की ज़रूरत है मुझे। आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अभी हम हापतनाड पहुँचे हैं, हापतनाड के टॉप। अच्छा, हापतनाड के टॉप पे पहुँचे हम, ऑन द वे टू बटमर्ग। तो यहाँ पे शोकिन साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे। शोकिन साहब, अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन और अनोखा सफ़र है, जिसमें हमारे रहबर जायद साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब इन जड़ी बूटियों और कुदरत के नज़ारों का नज़दीकी से मुशाहिदा करके मुझे ये लगा कि ये सारी कारीगरी जो खुदा की है बेलोस है और इसका कुछ परलल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी इन्हीं कुदरत के नज़ारों में गुजारूँ, लेकिन इंसान बेबस है, यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। हम कुछ ज़िंदगी के ऐसे मसाइल में उलझे हैं कि हम शहरों के उस जहरीले धुएं में पले पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन शायद हमारी, शायद क्या लगता है, अगर खुदा ने चाहा यह हमारे ज़िंदगी के उस टारगेट में, उस स्ट्रेच के डाटा में शायद 5 साल का इजाफा करेगा। और श्योरली कह रहा हूँ, खुदा से दुआ गुजारी हूँ कि इन हवाओं का हमें 5 साल का इजाफा करे। तो मैं चाहता हूँ जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो इन कुदरती नज़ारों को देखें और इन कुदरती वादियों को सब्सक्राइब। इस वक्त में एक तरफ माढ़ामा है और नाज़िम साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी तरफ ये गजरियाल और वारसन बाकी है। देखता हूँ कुदरत ने कैसे इन पत्थरों को यहाँ तराशा है, इन दरख्तों को कैसे बनाया है। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जिनके हमें नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन दिल चाहता है। मुझे ऐसा लगा इस जगह पे ये परियों का आंगन है। और रियासर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रियासर ने जो प्रिपरेशन की आज, बेलोस खदमत और अनोखी वैरायटी हमें खिलाई, शायद आज तक मैंने ये नहीं खाई है। होटलों से मंगाया है, ऐसा जायका नहीं मिला। और इसकी जो खुदा दास सलायत इसमें है, ये
और बेलोस खिदमत का जज्बा है इसने, इसने खुश असलूबी से हमारे सामने रखा। आज मैं जो एक मुर्गे का एक पीस खाता था, आज एक मुर्गा खाया। आई एम हाईली along with my all this colleagues and officers crew members we are highly thankful yes sir and jo hamara wo tut tut aur baki cheeze gazan nazim sahab ne bhi banaya uska zaika bhi liya that was also marvelous aur ab do chai hum badmargi pe piyenge aur sab hamare viewers aap kya kehna chahte hain hamari channel ko subscribe kare subscribe kare aur hame apne ara se nawaze assalam alaikum।